विदेशों में खाद्य तेलों की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से घरेलू बाजारों में लगातार सरसों के दाम तेज हुए हैं। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 25 रुपए बढ़कर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए। इस दौरान सरसों की दैनिक आवक 2.25 लाख बोरियों के पूर्व स्तर पर ही बनी रही। जानकारों के अनुसार रूस ने काला सागर अनाज निर्यात सौदे से पीछे हटने के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका से विदेशी बाजारों में लगातार दूसरे दिन खाद्य तेलों की कीमतें तेज हुई हैं, जिससे घरेलू बाजारों में भी सरसों और इसके तेल के भाव में तेजी देखने को मिली है। घरेलू बाजारों में ब्रांडेड तेल कंपनियों ने सरसों की खरीद कीमतों में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं मलेशियाई पाम तेल वायदा 2 नवम्बर को लगातार तीसरे सत्र के लिए 12 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। उधर BMD बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल की जनवरी डिलीवरी 4.77% बढ़कर 4,435 रिंगिट प्रति टन हो गई, जो 12 अगस्त के बाद सबसे अधिक दर्ज की गई। आपको बता दें कि पाम तेल की कीमतों में आई इस तेजी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सरसों का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर को छू सकता है। आपको बता दें कि सरसों की कीमतों में तेजी मंदी का रुख विदेशी बाजारों की चाल पर निर्भर करता है। वहीं खपत का सीजन होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि घरेलू बाजार में सरसों तेल की मांग बनी रह सकती है। जानकारों का कहना है कि इससे सरसों की कीमतों में बहुत ज्यादा मंदी की फिलहाल उम्मीद नहीं है, भाव में तेजी बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।